जय हिंद, गुड इवनिंग, वेलकम टू स्टडी पावर पॉइंट, दिस इज अंकित। एक BTUP से लेटेस्ट अपडेट आई है जिसमें बात हो रही है कि फीस माफ की जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कि किसकी फीस माफ होने वाली है और आप इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। देखिए, उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे गर्ल्स स्टूडेंट सूचना यहाँ पे आ रही है और ऑफिशियल बिल्कुल अपडेट रही है। लेकिन मैं बता दूं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, आपका किसी भी ब्रांच और किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो उसका कोर्स स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया गया है। आप उसमें जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, जो पहले से ऐप डाउनलोड कर रखे हैं और अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा 19 नवंबर से पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट बैच फुल हो चुका है, जिस वजह से थोड़ी फीस सर्वर वगैरह का कॉस्ट ज़्यादा आया, तो फीस थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन अभी भी जो बैच 2 है वो काफ़ी तेज़ी से फुल हो रहा है। सिर्फ 50 से 60 स्टूडेंट की सीट बची हुई है। जो भी हर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, जो भी आपका कोर्स है, आप उसमें तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीट फुल हो जाएगी, आप कहेंगे आपने फिर से प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, फीस वगैरह बढ़ गई, तो इस चीज़ को आप मिस मत कीजिए और अभी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधे ऑफिशियल अपडेट रही है। सीधे BTUP से देखिए, सचिव कर रहे हैं प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। सेवा में किसको लिया गया है? सभी कॉलेज को लिया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, एडेड है, प्राइवेट हो, सभी कॉलेज को प्रधानाचार्य को लिया गया। और डेट देखिए कब यह आई है, 16/11/2021 की यह अपडेट रही है। और मैं बताना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विवेक सर का, जिन्होंने इस अपडेट को प्रोवाइड कराया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और इसका विषय क्या है आप समझिए, यह आपके लिए जानना अति आवश्यक है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 2/10/2021 को जनपद लखनऊ में निम्नलिखित घोषणा, ठीक है, उसमें किया गया। एक नंबर होता है घोषणा पत्र का, उसका वो चीज यहां पे दी गई है। उसके बाद इसके में क्या किया गया, इस घोषणा में की गई अनुपालन किए जाने के संबंध में यह न्यूज़ को, मतलब इसको किया गया है। अभी एक और ऑफिशियल न्यूज़ दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए यहाँ पे, तो जब घोषणा की गई इस डेट को, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, लेकिन क्या घोषणा की गई थी वह सब समझिए, यह आपके लिए जानना अति आवश्यक है। देखिए, घोषणा यह किया गया था कि यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियों, ध्यान दीजिएगा, किसी परिवार को एक से अधिक बच्चियों किसी विद्यालय या फिर महाविद्यालय, ठीक है, या फिर संस्था में अध्ययन कर रही हैं, ठीक है, तो उसकी दूसरी बच्ची की जो ट्यूशन फीस है, ठीक है, जो उसकी ट्यूशन फीस है, वह क्या की जाए, वह फीस संस्था को प्रोत्साहित करते हुए माफ कराई जाए, या फिर उसकी छात्रपूर्ति राज्य सरकार द्वारा कराई जाए। कहने का मतलब, टोटली किसी भी तरीके से उसकी फीस को माफ कराया जाए। अगर इस तरीके के आपके यहाँ कोई है, ठीक है, आप कोई गर्ल्स जो भी हैं, बहुत लोग पॉलिटेक्निक करें, अगर इस तरीके के हैं, आप भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आपके आपकी कोई सिस्टर वो भी करें, तो आप इस चीज़ का एडवांटेज लीजिए, आपकी फीस माफ़ हो सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे देखिए क्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधे कहा भी जा रहा है, उपरोक्त दृष्टिगत आपकी संस्था में शासन द्वारा निर्धारित आय से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में एक से अधिक बच्चियाँ या छात्राएं अध्ययनतर है, यानी पढ़ाई कर रही हैं, तो इस संबंध में निम्न प्रारूप में आपको डाटा उपलब्ध कराना है। इस क्रम में आपका डाटा भेजा जाएगा। सबसे पहले आप संस्था का कोड लिखा होगा, संस्था का नाम लिखा होगा, छात्राओं का नाम लिखा होगा। डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स हो या फिर JEE, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसका सलूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के साथ आप किसी भी समय 3 स्टेप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन पर आना है और प्ले स्टोर पर सर्च करने हैं फिलो ऐप, या फिर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप कर लेना है, फिर अपने उस क्वेश्चन की आपको पिक लेनी है, या फिर उसे टाइप कर सकते हैं, या फिर गैलरी से लेकर के उसको अपलोड करना है। 60 सेकेंड के अंतर्गत एक्सपर्ट आ करके वीडियो कॉल के ज़रिए आपके डाउट को क्लियर करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं, मतलब किस ब्रांच से, वो चीज लिखी होगी, सेमेस्टर और वर्ष लिखा होगा, इनके DOB भी लिखी होगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, और साथ में कितने रुपए की फीस है और वो कितनी माफ की जा रही है, यह चीज भी यहां से लिखी रही होगी, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आप देख सकते हैं कि ये जो सूचना है कहाँ आपको अवेलेबल करानी है। देखिए, उपरोक्त सूचना 16/11/2021 के अपराहन, ठीक है, परिषद अनुभाग 6 की ईमेल आईडी UPBT, ठीक है, ANU6
gmail.com पर उपलब्ध आपको कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि कार्य योजना तैयार करके शासन को भेजी जाए और सभी स्टूडेंट को जो भी इस तरीके का है उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, उनको इसका क्या की जाए, बेनिफिट मिल पाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सचिव जो किए हैं सुनील कुमार सोनकर, उनका आपको सिग्नेचर देखने को मिलता है, एक और देखने को मिलता है। अब देखिए आप ऑफिशियल अपडेट को देखिए और समझिए, सब कुछ देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है। आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक के लिए खास करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप कहीं भी है, अगर दो बच्चियाँ एक साथ स्टडी कर रही हैं विद्यालय विश्वविद्यालय इस तरीके से महाविद्यालय या फिर पॉलिटेक्निक इस तरीके से करें, उनकी ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके को यहाँ पर घोषणा की गई थी, जिसमें कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको माफ़ किया जाए। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो सूचना इस साइट पे अवेलेबल कराई जाए, लेकिन यहाँ BTUP से बात हो रही थी, BTUP की साइट पे अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरीके से पूरी चीज़ें इसका डिटेल लिखा गया है, और मैं इस अपडेट को अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, जहाँ से आप पढ़ के बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, और आपका अगर है इस तरीके से कोई, आप मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर ही पढ़ रही है, दो लोग विश्वविद्यालय महाविद्यालय में या फिर 12th से ऊपर के कोई कोर्सेज में है, तो आप इसका एडवांटेज लीजिए। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी सब कुछ देखने को मिला, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट है, जेन्युइन अपडेट है, आप देख सकते हैं और इसका एडवांटेज लीजिए। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कीजिए, 50 से 60 बच्चों की जो सीट बची हुई है बैच 2 में, उसमें ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो फिर प्राइस आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो क्योंकि सर्वर का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो आप लोग कहेंगे कि आपने प्राइस बढ़ा दी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप समझ गए होंगे, कोई डाउट कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।